अडानी ग्रुप की घेराबंदी को चुनावी एकजुटता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में एक दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आईं और सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में 14 दलों के नेता शामिल हुए। तेलंगाना की टीआरएस, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। ऐसा यह पहला मौका रहा जब किसी मुद्दे पर कांग्रेस को इतने बड़े दलों का समर्थन मिला है। ऐसी एकजुटता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को नहीं मिली थी। राहुल गांधी जिस भी राज्य से गुजरे वहां के नेताओं को न्योता दिया गया, बावजूद इसके दूसरे दलों के नेता बहुत कम यात्रा से जुड़े। यात्रा की शुरुआत से राहुल गांधी को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का साथ मिला। उन्होंने कई मौके पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी तारीफें की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हुए। राहुल गांधी को शिवसेना का साथ मिला। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तो उत्साह ही नहीं दिखाया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने राहुल का हौसला बढ़ाया। भारत जोड़ो यात्रा में खुद तो शामिल नहीं हुए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर यात्रा का स्वागत करने को कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा पर तो ज्यादा बढ़ चढ़कर कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी के नाम पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार कांग्रेस नेता कमलनाथ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि विपक्ष की तरफ से संयुक्त रूप से राहुल गांधी 2024 के चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने 21 दलों के नेताओं को न्योता दिया था। इनमें से 12 दलों के नेता इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी थी, वहीं 9 दलों के नेता इससे दूरी बना ली थी। हालांकि खराब मौसम की वजह से कुछ ही दलों के नेता कश्मीर पहुंचे। आमंत्रण के बावजूद नहीं आने वाले दलों की खूब चर्चा हुई जिसमें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी शामिल था। वहीं उन दलों पर भी खूब बात हुई जिन्हें कांग्रेस ने न्योता नहीं दिया। इनमें एआईए डीएमके जगनमोहन रेड्डी वाली, वाईएसआरसीपी नवीन पटनायक वाली बीजेडी ओबीसी की पार्टी और एआईयू डीएफ शामिल थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम जो काम नहीं कर सका उसे हिंडरवर्क की रिपोर्ट ने कर दिया। काफी समय के बाद अडानी मामले पर विपक्ष में एकजुटता नजर आ रही है। पूरा विपक्ष अडानी मसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। जब संसद में मौका मिला तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।